आज की इस वीडियो को वर्ग पढ़ाऊंगा, मिस स्क्वायर आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, स्क्वायर की क्या खासियत होती है और इसके फार्मूले को भी आपको बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में बता दे रहा हूँ कि वर्ग की खासियत क्या होती है, फिर इसके फार्मूले को आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये आपको वर्ग दिख रहा है। वर्ग की क्या खासियत होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये भुजा ए हो गई तो ये भी भुजा कितनी ए होगी, और ये भी ए और ये भी ए। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं यहाँ से विकर्ण खींच दूं, यहाँ से क्या खींच दूं, विकर्ण खींच दूं, और यहाँ से भी क्या कर दूं, इस तरह से विकर्ण खींच दूं, तो इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, संविभाजित करते हैं। इनके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, संविभाजित करते हैं। जहां पे ये संविभाजित करते हैं यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत थी मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, संविभाजित करते हैं। और जहाँ पे संविभाजित करते हैं यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। जो मैंने आपको सब कुछ बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए देखा जाए, जो मैंने आपको बोला था मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। जहां पे ये संविभाजित करते हैं वहां पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इसकी क्या खासियत थी मैंने आपको बता दिया। अब वर्ग के फॉर्मूले को हम देखते हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बताए, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा आपको कितनी है, यहाँ से भुजा कितनी है, ए। आप कह सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाए, ए का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर कह लें या मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर वर्ग का परिमाप पूछा है तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। अगर आप इनको जोड़ेंगे चारों भुजाओं को तो कितनी बार ए मिलेगा आपको, चार बार क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, कह सकते हैं 4a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण पूछा है तो क्या बताएंगे आप, यहाँ से आपसे ये जानना चाह रहे हैं वर्ग का विकर्ण। अगर इसको देखा है तो ये देखिए आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, क्यों, अगर ये त्रिभुज नजर आ रहा है तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कह सकते हैं ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2a² आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो ये क्या, इधर की कड़ी लग जाएगी और ये कड़ी लग जाएगी। अब यहाँ देखिए ये कितनी बार मिलेगा आपको, दो बार मिलेगा, ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और अंदर आपको क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा कड़ी में 2 हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं भुजा कड़ी में 2। वैसे आप डायरेक्ट इसको याद कर लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको विकर्ण दे देगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि किसी वर्ग का विकर्ण आपको दे देगा, पूछे कि आपसे उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना, ठीक है, इस पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंट में नोट में लिख लीजिएगा। तो अगर क्षेत्रफल को क्या बताए, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 बता देंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको क्या बताया, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में ये दिया रहे किसी वर्ग का विकर्ण आपको दे दिया जाए, आपसे पूछे क्या उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या बताएं, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 कर लेंगे, आपको क्या देगा आंसर, आपका ये भी फार्मूला क्षेत्रफल का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना, ठीक है। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा दे दी गई, आपसे पूछा क्या वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक। और भुजा आपको पता है करने के, इसका स्क्वायर कर ले, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। अगर आप 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 आपका ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या गया आंसर आ। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी, आपको ये बताना है। इसमें दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, पूछा कि वर्ग की भुजा क्या होगी, आपको ये बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यही तो भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, भुजा का स्क्वायर। देखिए यहां से इसका मान दे दिया आपको, क्षेत्रफल कितना यहाँ दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्या कर सकते हैं आप इसके 400 रख सकते हैं, तो आप यहाँ से क्या करिए 400 रख लीजिए। इधर आपका बचा क्या, ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर ये पावर हटा दूंगा तो ये इधर कड़ी लग जाएगी, जब ये कड़ी से फ्री होगा 400, ये इसका मान कितना दे देगा आपको 20 दे देगा। अर्थात आप बता सकते हैं भुजा कितनी पता चल गई आपको, 20 मीटर आपको पता चल गया। ये आपका क्या गया आंसर। तो देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, क्या करना है कि इसमें वर्क का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, अब इसको देखिए कड़ी से जब ये फ्री होगा इसका मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आपको ये क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया था, जब कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कहीं कहीं क्या पूछेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेंगे, आपको केवल क्या जानकारी रहेगी, विकर्ण की लंबाई आपको दे दी। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसका क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 कर लीजिए, आपको क्षेत्रफल पता चले। तो आप यहां से लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लिख लीजिए पूरा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। और विकर्ण की लंबाई आपको दे दी कितनी, ये 8 मीटर। क्या कर सकते हैं, इसके 8 रख सकते हैं, अगर आप इसे 8 रखेंगे तो 8 का करना है कि आपको स्क्वायर करना है, अर्थात कहने का मतलब ये 8 × 8 हो जाएगा। अब नीचे कितना है 2, अगर मैं इसको यहाँ से काट दो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 × 32 हो जाएगा, 4 × 32 अभी आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात आपका क्या पता चलिए, उस वर्ग का क्षेत्र पर कितना गया 32 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2, इस चीज को मैंने आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना। यहां से जो परिधि का मतलब क्या दिया आपको, परिमाप दिया है। ये क्या दिया आपको, परिमाप दिया है। तो परिमाप का मतलब क्या, चारों भुजाओं का योग है। अगर मैं इसमें 4 से भाग दे दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगी, भुजा पता चल जाएगी। तो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी 40 मीटर आ गई, भुजा कितनी पता चली मुझे 40 मीटर पता चलिए। तो पूछा कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप यहां से लिख लीजिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यहां से भुजा का स्क्वायर कर लेंगे तो 40 का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 को कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात आप बता सकते कितना जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या गया आंसर। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आपको करने के इसमें भाग देंगे आपको क्या पता चले, भुजा पता चले। अगर आपको भुजा पता चलिए तो पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 6 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करना है। इसमें ये कहा गया है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा कितनी है 6 मीटर है, तो पूछा कि आपसे वर्ग का परिमाप तथा वर्ग का विकर्ण आपको बताना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है कि नहीं, 4a होता है, यानी चारों भुजाओं का योग। आप कह सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4a, और a का मान आपको पता है कितना, a का मान आपको कितना दिया है 6 दिया, a कितना रख सकते हैं आप 6 रख लीजिए, तो 4 × 6 इधर इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 × 6 का कितना 24 आ गया। ठीक, अर्थात आपको क्या पता चल गया, वर्ग का परिमाप कितना आ गया 24 मीटर आगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि वर्ग का विकर्ण बताना है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, मैंने आपको पीछे लिखवा दिया, भुजा कड़ी में 2, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ से भुजा का मान आपको पता है कितना है 6, तो जहां पे a है इसे क्या रख सकते हैं आप 6 रख लीजिए, 6 × 2, आप ये क्या गया आंसर आ गया। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 6 × 2 आ गया, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 15 × 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या आपका, भुजा कड़ी में 2, यही तो होता है वर्ग का विकर्ण बराबर। अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लें तो मुझे भुजा का मान पता चल जाएगा, अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी कड़ी में 2 और यहाँ भी कड़ी में 2, आप कह सकते हैं यहाँ से भुजा बराबर कितना हो गया, यहाँ से 15 हो गया, अर्थात आपको भुजा का मान पता चल गया कितना, ए बराबर कितना गया 15 आ गया। तो आपसे पूछा क्या वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपको पता चले कितनी 15 है, तो करने के 15 का आप स्क्वायर कर लीजिए, आप क्या आ जाएगा आंसर है। तो यहाँ से स्क्वायर करें 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाएगा, 225 आपका ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, आप ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। इसमें करने के अगर आप इससे कंपेयर कर लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा कड़ी में 2 होता है, आपको विकर्ण दे दिया। अगर हम यहाँ से कंपेयर करिए तो मुझे भुजा का मान पता चल गया, अगर भुजा का मान पता चल गया तो पूछा क्या क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया आपको क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है दो वर्गो के क्षेत्रफल में अनुपात कितना 1:4 हो, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा आपको ये बताना। दो वर्ग इस तरह से रहे होंगे, आप इसको क्या करिए वर्ग इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहाँ से दिया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा लोग मान ले कितना ए मान ले रहे हैं, A1 मान रहे, और इसकी भुजा कितना मान ले ए2 मान ले। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो आप कितना निकालेंगे, यहाँ से कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर ए1 का स्क्वायर। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालें क्या कहेंगे भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, यानी ए2 का स्क्वायर, ए2 का स्क्वायर यही तो होगा। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे दिया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितने दिए, इसे सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिला 1:4 मिला। ठीक है, दोनों क्या किया दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया 1:4 दिया। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले क्या कहेंगे भुजा का स्क्वायर हो गया, अगर आप इसका निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जाए 1:4 मिल जाए। तो आपसे पूछा क्या है ए1 ए2 का मान आपको बताना। अगले इंस यहाँ से ये हो जाएगा, ये जो पावर आपको दिख रही है मैं इसको इधर गाड़ी में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ए1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए2 हो जाएगा। जो आपको ये पावर दिख रही है इधर मैं क्या कर दे रहा हूँ गाड़ी में कर दे रहा हूँ 1:4। इस तरह से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। जब ये कड़ी से फ्री होगा ऊपर वाला आपको एक ही मिलेगा, लेकिन ये जो चार कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। अर्थात आप बता सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, आप ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा आपको ये बताना। ठीक है, इस बार दिया गया आपको दो वर्ग आपको दे दिया गया, दो वर्ग है। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए दो वर्ग इस तरह से आपको दे दिए गए, अब इसकी यहां से भुजा कुछ होगी, ये आपका वर्ग है। ठीक है, ये आपका क्या है वर्ग आपका। अब यहां से इसकी कुछ भुजा होगी, अगर हम भुजा मान ले कितनी ए1 है और इसकी भुजा कितना मान ले रहे ए2 है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए पहले के लिए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए1 का स्क्वायर कर सकते हैं भुजा का स्क्वायर। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से ए2 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब कहा क्या है क्वेश्चन में क्या दिया दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया इतना दिया है, अगर इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल जा रहा है 4:9 मिल जा रहा है, 4:9 आपको मिल जा रहा है। अगर यहां से हम अगले लाइन से ये कर सकते हैं अगली लाइन से ए1 बटे क्या ए2, अब ये जो पावर आपको दिख रही है इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से कड़ी में कर सकते हैं 4 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात आपको क्या पता चलिए भुजाएं आपको पता चलिए, यानी इसका ये जो आपको वर्ग दिख रहा है इसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान सकते हैं 2 सेंटीमीटर या मीटर, चूंकि यूनिट दिया नहीं तो लोग कुछ भी कर ले मीटर में कर ले रहे। ठीक है, इसकी कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। तो पूछा क्या आपसे, पूछा क्या है उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा आपको ये बताना। अर्थात अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो परिमाप बराबर होता है कि चारों भुजाओं का योग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अगर ये कितना है 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अर्थात कहने का मतलब 3 में कितने से गुणा करें 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12। ठीक है, आपको क्या पता है इनके परिमाप पता चले, तो पूछा कि इनके बीच में क्या पूछा है अनुपात पूछा, तो आप यहाँ से क्या करिए अनुपात लगा दिए, यहाँ से काट दिए तो 4 × 8 हो गया और 4 × 3 = 12। अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों वर्गों के परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्या होगा क्लियर होगा, भुजाएं आपको पता चलिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर आ गया या मीटर ले सकते हैं, ये आपका 3 पता चल गया। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ये है 2 ये है 2 ये, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा।
अगर तीन ये है, तीन ये, तीन ये, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब करने के इनके बीच में रेशियो लगा दीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वर्ग उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। कोई एक वर्ग आपको दे दिया गया और उस वर्ग के विकर्ण पर अगर क्या खींचा जाए, वर्ग खींचा जाए, तो उनके वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना। अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस तरह से कुछ फिगर आपका बनेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये वर्ग, अब कहा कि इसके विकर्ण पे क्या खींचा जाए, इसके विकर्ण पे क्या किया जाए, वर्ग बनाया जाए, ठीक है। इसके विकर्ण पे भी अगर एक वर्ग बना दिया जाए तो आप क्या करें, इस तरह से यहां से बना लें। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ले लिया जाए, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, इनमें अनुपात क्या होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। अगर हम लोग मान लें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इस वर्ग का जो भी है, इसकी भुजा कितनी, यहां से A1 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। या कुछ कर सकते हैं, हम कितना मान लिए, एक्स मान लें, ठीक है, या हम लोग यही रहने दीजिए, ठीक है। ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने ए मान लिया, अगर यहां से इसका विकर्ण पता करना, तो यहां से विकर्ण इसका कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, भुजा कर्णी में 2 होगा, यही तो होगा इसका। अगर यहां से ये देखिए, आपको ये वर्ग आपको दिख रहा है, इसकी भुजा कितनी ए है, ठीक है, ये ए भी है, ए भी है, ए भी। अगर आप यहां से विकर्ण निकालेंगे तो यहां से विकर्ण बराबर होगा कितना, भुजा कर्णी में 2 होगा, यही चीज तो निकले कि नहीं निकले, ये चीज आपको मैंने पीछे आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब आपको इसकी भुजा पता चली, इस वाले वर्ग की भुजा आपको पता चली, इसकी भुजा कितनी है, भुजा कर्णी में 2, यही तो है, कह सकते ए कर्णी में 2, ए कर्णी में 2। तो पूछे कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। अगर आप इसका देखिए, इस वर्ग को देखिए, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी भुजा आपको पता है कितना ए है, तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकाले क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपको पता चली कितनी है, इतनी है, तो करने के इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए, यही करना कि नहीं। अब इनके बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछा, तो अनुपात आप लगा दीजिए, यहां से ए स्क्वायर हो गया, अगर यहां से इसको जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या है, कड़ी में 2, कड़ी में 2 दो बार मिले कि नहीं मिले, इस तरह से जब इसको प्रसार करेंगे तो कड़ी में 2, कड़ी में 2 आपको दो बार लिखना पड़ेगा। अगर आप इसका गुणा करें तो कितने मिल जाए आपको, 2 मिल जाएगा, 2 मिले कि नहीं मिलेगा, अर्थात यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, ए की पावर कितना है, 2 यहां पे भी है और ए की पावर 2 यहां पे भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, यहां से आपका बचा कितना, 1 बच गया, यहां से 1 बच गया, और ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 होगा। तो देखिए, कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। आप इस चीज को याद कर लिए तो बेहतर है, ठीक है, कि आप इस चीज को क्या करिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे, आपको ये बताना। इसमें कहा कि आप 6 मीटर भुजाकार भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे, आपको ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिगर बना रहा हूं, अगर ये कोई वर्गाकार फर्श है, ये क्या है, कोई वर्गाकार फर्श है, और यहां से इसकी लंबाई कितना दी, भुजा कितनी, यहां से 6 मीटर, ये कितनी है, 6 मीटर है। आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, अगर क्या किया जाए, इस वर्ग के क्या के, इस आकार का क्या के पत्थर बिछाना हो, तो कितने पत्थर लगेंगे, आपको ये बताना है। इस पत्थर का आकार कितना है, इस पत्थर का आकार कितना, यहां से आपको दे दिया है इतना है, ठीक है, आयताकार के आकार का। यहां से इसकी लंबाई कितनी हो गई, 30 हो गई, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अगर इस तरह से क्या किया, इसमें छोटे छोटे पत्थर इसमें क्या किया, इसमें रखा जाए, तो इसमें किया जाए, अगर इसमें बिछाना हो, तो कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। इसमें क्या करना, अगर ऐसे छोटे छोटे पत्थर इसमें लगाने हो तो कितने पत्थर लगेंगे, आपको यही बताना, वर्गाकार फर्श पर कितने पत्थर लगेंगे, आपको इसमें यही बताना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये किसमें, ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर ये क्या है, मीटर में। तो सबसे पहले दोनों यूनिट क्या करिए, आप एक में कन्वर्ट करिए। अगर मैं इसको क्या कर दूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 600 सेंटीमीटर आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो करने के आपको सबसे पहले क्या करिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके इसका क्या करिए, इसके क्षेत्रफल से आप भाग दीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, क्या जाए, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करना आपको, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करना आपको, इससे आप भाग दिए, इसके क्षेत्रफल से क्या करिए, आप भाग दिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाए, भुजा का स्क्वायर, 600 × 600 मैंने कर दिया। अब देखिए, आपको ये आयताकार दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है, आयताकार आपको दिख रहा है पत्थर, नहीं कि नहीं,
पत्थर कैसा आपको दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे एक पत्थर का तो लंबाई गुणे कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। अब करने के हिसाब से इसमें भाग दीजिए, इससे क्या करना आपको भाग देना है। यहाँ से ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, अब ये तीन दुना कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, और छह सौ से यहाँ से कट गया, यहाँ से बचा कितना आपका 600। अर्थात आप बता सकते हैं कितने पत्थर लगेंगे, 600 पत्थर लगेंगे। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगर ये वर्गाकार फर्श है, अगर ये क्या है वर्गाकार फर्श है, इस फर्श पर क्या करना मुझे पत्थर लगवाना हो और इस आकार का लगवाना हो तो कितने पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, 600 पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है,